राजस्थान चुनाव की घोषणा हो गई है और ऑफिशियली तौर पे आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी आज पहली लिस्ट जारी कर दी है और राजस्थान विधानसभा चुनाव के ऐलान के तुरंत ही बाद बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है वो काफ़ी ही चौंकाने वाली है। और इस लिस्ट में भाजपा ने 7 सांसदों पर दाव लगाया है और यहाँ तक कि राजस्थान के योगी से लेकर के जयपुर की महारानी तक सबको मैदान में उतार दिया गया है। यानी कि भाजपा ये चाहती है कि इस बार के चुनाव में दमदार मजबूती के साथ भाजपा सत्ता में आए। खबर तो ये भी थी कि वसुंधरा राजे के पर कतर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है और भाजपा हमेशा नए तरीके से चुनाव लड़ती है और नए नए प्रयोग करती है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक अपनाते हैं तरीका और इस बार भी राजस्थान चुनाव में ऐसा ही दिखने वाला है। और राजस्थान चुनाव को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको सारी खबरों के बारे में बारी बारी से अपडेट देता हूं। और आज की जो उम्मीदवारों को लिस्ट आई है उसमें काफ़ी चौंकाने वाले नाम आ गए हैं और भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो पहला 41 उम्मीदवारों को लिस्ट की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में स्थानीय नेताओं को तरजीह दी गई है। वहीं पार्टी ने अपने सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है और 41 जो टिकट की घोषणा की गई है उसमें 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। यानी कि भाजपा ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार राजस्थान चुनाव को मजबूत तरीके से लड़ना है और इसके लिए शुरू से ही उन्होंने राजकुमारी सांसद जो हैं दिया कुमारी को काफ़ी आगे एक फेस बनाया है राजस्थान के लिए और उनको फ्रंट पे रख करके चुनाव लड़ा जा रहा है और ये एक नया प्रयोग है भाजपा का। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो कि उनका वर्चस्व था, उनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस बार उनको कद छोटा कर दिया गया है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आज प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उसमें बीजेपी की ओर से जयपुर की झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो झुंझुनू से मांडवा से सांसद हैं नरेंद्र कुमार, उनको चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह जयपुर की विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि मोदी जी ने इस बार भी निर्णय ले लिया है कि राजस्थान किसी भी तरीके से अपना होना चाहिए और इसके लिए सांसद हो या मंत्री हो या कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो उसको चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा और विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। इसी तरह मैं बात करूं सवाई माधोपुर की तो वहां से किरोड़ीमल मीना जो कि सांसद हैं उनको टिकट दे दिया गया है। अलवर तिजारा से बाबा बालकनाथ सांसद हैं उनको वहां से उतार दिया गया है। और अजमेर के किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी ये भी सांसद हैं, इनको भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। सांचौर से देवजी पटेल ये भी सांसद हैं, इनको भी मोदी जी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी कि बीजेपी की ओर से जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें कुल 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की घोषणा की गई है और इस लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं। जयपुर के राजघराने की सदस्य महारानी दिया कुमारी और राजस्थान के योगी कहे जाने वाले अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और दिया कुमारी के बारे में शुरू से ये कहा जा रहा था कि इस बार का जो राजस्थान का चुनाव होगा वो दिया कुमारी उसमें पार्टी की तरफ से फेस होंगी और पार्टी ने इस चीज़ को सामने लाते हुए उनको विधानसभा चुनाव में उतारते हुए एक संदेश देने की कोशिश की है कि राजस्थान में किसी का भी वर्चस्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो चाहती है वो करती है और चाहे वो सांसद हों चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों उनको भी विधानसभा चुनाव में उतार रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश में यह प्रयोग किया था मोदी जी ने और अब ये प्रयोग राजस्थान में है। राज्यवर्धन राठौर जो कि केंद्र में पहले मंत्री रह चुके हैं, दिया कुमारी जो कि सांसद रह चुकी हैं अभी भी हैं सांसद, और इन सब को मैदान में उतार दिया गया है।
मैं बात करूं कुछ और सीटों की, तो गंगानगर से श्री जयदीप बिहानी को टिकट दिया गया है, भादरा से संजीव बेनीवाल को, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को, सुजानगढ़ से श्रीमती संतोष मेघवाल को, झुंझुनू से बबलू चौधरी को, मंडावा से नरेंद्र कुमार सांसद, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल। तो इस बार के जो चुनाव की जो नाम हैं कैंडिडेट की, वो काफ़ी ज़्यादा स्थानीय लोगों की तरहीज दी गई है, क्योंकि भाजपा ये जानती है और मोदी जी जानते हैं कि स्थानीय लोगों को सामने रख करके चुनाव अगर लड़ें तो ज़्यादा फायदेमंद पार्टी के लिए होता है। और भाजपा जो कि इस बार किसी भी तरीके से किसी भी हालत में राजस्थान चुनाव और मध्य प्रदेश चुनाव को जीतना चाहती है, इसके लिए पूरी टीम ने कमर कस लिया है और आने वाले जो अगले कुछ दिन हैं उसमें पार्टी अपने नए तरीके से नए जोश के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। क्योंकि जो सामने दूसरा जो गठबंधन है एनडीए में सभी भाजपा विरोधी ताकतें एक हो चुकी हैं, तो इसलिए इस बार का मुकाबला भाजपा किसी भी हाल में ढीला नहीं छोड़ना चाहती है। मैं कुछ और सीटों की बात करूं तो उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी, फतेहपुर से सरवन चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मेहरिया, दाता रामगढ़ से गजानंद कुमावत, कोटपुतली से हंसराज पटेल गुर्जर, दुद्दू से प्रेमचंद बैरवा, झोटवाड़ा से राजवर्धन राठौर जो कि सांसद हैं, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बस्सी से चंद्रमोहन मीना। दिया कुमारी एक ऐसा नाम जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से अचानक ही सामने लाया गया पार्टी की तरफ से, और उन पे इस बार सबकी निगाह है। तिजारा से बाबा बालकनाथ मैदान में हैं, बांसूर से देवी सिंह शेखावत, अलवर से जयराम जाटव, नगर से जवाहर सिंह बेडम, वैर से बहादुर सिंह कोहली, हिंडौन से श्रीमती राजकुमारी जाटव, सपोटरा से हंसराज मीना। ये जो लिस्ट में इस बार नाम है ये काफ़ी कुछ अलग संदेश देने की कोशिश की गई है कि राजस्थान में स्थानीय जो नेता हैं उनके ऊपर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया है, और ये मैसेज है कि इस बार स्थानीय लोगों को ही चुनाव में उतारा जाएगा। कुछ और सीटें की बात करूं तो बांदीकुई से भागचंद डाकरा, लालसोट से रामविलास मीना, बामनबाद से राजेंद्र मीना, सवाई माधोपीर से किरोड़ी लाल मीना, ये भी सांसद हैं, देवली उनियारा से विजय बैंसला, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी ये भी सांसद हैं, केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग, बायतू से बालाराम मूड, सांचौर से देवजी पटेल सांसद हैं, खेरवाड़ा से नाना लाल आहिरी, डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा, सागवाड़ से संचर डेचा, चौरासी से सुशील कटारा, बागीदौरा से श्रीमती कृष्णा कटारा और कुशलगढ़ से भीम भाई डामोर को टिकट दिया गया है। मांडल से उदयलाल भडाना और सहाड़ा से लादूलाल पितलिया को भी टिकट दिया गया है। यानी कि इस बार का चुनाव काफ़ी ही ज़्यादा अलग तरीके से होने वाला है, और हम आने वाले समय में आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। जल्दी ही भाजपा अपनी दूसरी लिस्ट घोषित करने वाली है, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है इस बार ऑफिशियली तरीके से, और हर तरफ सभी दल पूरी जोश और खरोश के साथ तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन जो सारी नज़रें हैं वो नज़रें हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे, और इसमें भाजपा का परफॉर्मेंस आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल है। तो चलिए आप चैनल पे बने रहिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस पे राजस्थान और अन्य चुनावों के सारे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।